वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग गांधी फैमिली ब्लॉग। गाइज आज है करवा चौथ, मतलब मम्मी का है आज व्रत। सुबह से मम्मा की तबीयत थोड़ी खराब थी तो अभी मम्मा रेडी हुई है। अभी कहाँ रेडी हुई हूँ, अभी तो बस माड़ा मोटा चूरी चूरी डाला है मॉर्निंग से ही। मतलब क्या बताऊँ आप लोगों को, दिल्ली से वापस आई हूँ तो बीमार हो गई हूँ, क्या पता सबका नजर लग गई मुझे। पता नहीं गला आज भी मेरा लगेगा नजर। गला भी इतना ज्यादा खराब है ना, तो सुबह से ही मतलब इतना बीमार फील कर रही हूँ। अभी बजे हैं करीब 1 और अभी मैं नहा के आई हूँ, तो अभी बस रेडी हो रही हूँ क्योंकि पूजा अभी करना है। तो पता नहीं क्या बात है, जब से दिल्ली से आई हूँ तब से बहुत ज़्यादा बीमार चल रही हूँ, गला ख़राब है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो रात में मेहंदी भी लगाई, तो बीमार होने के कारण मैंने अच्छे से तो ना मतलब वीडियोज़ भी नहीं बना पाया ना, तो मैं इंस्टाग्राम वगैरह तो मैं काफ़ी सारे वीडियोज़ बनाती हूँ। तो चलो कोई बात नहीं, ब्लॉग तो बनाना ही था, करवा चौथ है तो साल में एक बार हस्बैंड के लिए इतना तो बनता है। बीमार होके भी हस्बैंड मना कर रहे थे कि इस साल आप रहने दो, व्रत रखने की ज़रूरत नहीं है, तबीयत ख़राब है। तो मैंने बोला नहीं, जब तक दुनिया में हूँ मतलब तो आपके लिए व्रत तो मैं ज़रूर करूँगी। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ गाइस कि इस साल मैंने मतलब कौन सी किस तरह की ड्रेस पहनने वाली हूँ, क्योंकि हर बार मैंने ना काफ़ी मतलब भारी भरकम ड्रेस ले लेती हूँ। पिछले साल में भी मैंने लहंगा वगैरह इतना ज़्यादा हैवी ले लिया था, जो मतलब कभी कभी वीडियोस में मैं डालती हूँ या शादी वगैरह थे, आप लोगों को पता ही, एक बार डाल लूँ तो दोबारा यूज़ नहीं किया जाता है मैरिज में। तो वो सारे मतलब इतने महंगे महंगे 3-3, 4-4 हज़ार वाले कपड़े सारे मेरी अलमारी में ऐसे ही पड़े हुए हैं। पिछले साल भी ऐसे भारी भरकम लिया था, तो मैंने इस बार सोचा कि मतलब ज़्यादा हैवी भी ना हो और मतलब ज़्यादा नॉर्मल भी ना हो, क्योंकि करवा चाहते। तो इस बार मैंने लिया सूट लिया मैंने, वो थोड़ा सा राजस्थानी ट्रेंड है, तो आप लोगों को दिखाती हूँ। इस बार मैंने ना ये ड्रेस डालना है, ये इसमें राजस्थानी मतलब डिज़ाइनर राजस्थानी लुक्स है इसमें। तो इसका जो मतलब सलवार वगैरह है, सलवार तो नहीं बोलूँगी इसको, धोती टाइप इसका मेरा पैंट बना हुआ है। अभी मैंने डाला नहीं, अभी डालूँगी। येलो कलर में है और मतलब मुझे तो येलो कलर मेरी फेवरेट है, तो अभी बस ये डाल के मैं रेडी होंगी, उसके बाद पूजा करूँगी। और इसके साथ मैं डालने वाली हूँ ये येलो कलर वाली सेट, तो इसके साथ ये मैचिंग हो जाएगी। अभी मैं बस रेडी होती हूँ, रेडी होकर आप लोगों को दिखाती हूँ कि करवा चौथ के लुक में मैं कैसी लग रही हूँ। गाइस बस मैं हो गया, देखो बिल्कुल रेडी। इस बार मैंने ऐसे ही मतलब चूड़ियाँ वगैरह जो भी आप लोगों को तो दिखाई दे रहा है, कैसी लग रही हूँ मैं, बिल्कुल इस बार मैंने सिंपल, बिल्कुल मतलब सिंपल लुक है, ऐसी बात नहीं है, सूट काफ़ी महंगी है पर देखने में सिंपल है। कैसी लग रही हो, राजस्थानी लुक है, राजस्थानी ड्रेस है ये, ये बाजू में भी ये डिज़ाइन है, कह रहा था ये राजस्थानी जैसे लुक है, तो मैंने बोला चलो इस बार ट्राई करते हैं, ऐसे मेरे पास नहीं है। तो कैसी लग रही थी मैं, अच्छी लग रही हो। हाँ तो गाइस अभी मैं जा रही हूँ, अभी बजे 4 और अभी मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए, तो मैं पूजा करके फिर आपसे मिलती हूँ, ठीक है। गाइस मैंने पूजा करने के लिए बिल्कुल रेडी हो गई हूँ, ये मेरे थाली में मट्टी मोली जो भी चाहिए होता है पूजा के सामान मैं लेके जा रही हूँ अभी पूजा करने के लिए, क्योंकि इधर वाले पास जहाँ पे हम रहते हैं ना, तो यहाँ पे मतलब कोई लेडीज़ वगैरह करवा चौथ के व्रत रखते नहीं है, तो इसलिए मैं घर पर ही पूजा कर लेती हूँ। तो मैंने ये बुक्स है मेरे हाथ में दिया, ये गणपति, ये देखो ये करवा चौथ के बुक्स है, ये पढ़ूँगी और यहाँ पर जो जगह के पूजा करके, तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ। गाइस फाइनली 9:20 पे चांद निकल गया है। मम्मी चांद निकल गया। हाँ जी देख लिया मैंने अपना चांद, मैं भी देखूंगा ना। नहीं नहीं बस आपके आप भी व्रत रखे थे ना। यस चलो हो गया मम्मा,
इतना बड़ा ना ना ठीक है मुंह निकालो मुंह नहीं लगाते कैसा लगा चलो अभी पियो पहली बार मेरे लिए व्रत रखा ना थोड़ा तोड़ के देख साल में एक बार नहीं हमारी बहुत अच्छी बीवी है बीमार होने के बावजूद भी इसने व्रत रखा गाइस बीमार होने के बावजूद बहुत ज्यादा बीमार है बल्कि चल भी नहीं पा रही कुछ भी नहीं फिर भी इसने बेचारे ने व्रत रखा और इसको पूरा भी किया थैंक यू मम्मी पापा की पूजा हो गई खत्म व्रत हो गया समाप्त व्रत हो गया हमारा समाप्त तो अब हम जाएंगे डिनर करने के लिए क्योंकि भूख मुझे भी लगी है घर पे नहीं खाना खाना नहीं अब तुमने इतना मतलब व्रत रखते हो खाना थोड़ी ना बनाओगे ओहो सच में बाहर जा रहे क्या हम खाना खाने के लिए इतना व्रत रखे हुए इंसान से इतनी मेहनत नहीं करवाते चलो ये भी ठीक है भूख मुझे नहीं लगी फिर भी खा लूंगी कोई बात नहीं बनाना तो नहीं पड़ेगा ना नहीं लगी मैंने दोपहर का खाना खाया था उसके बाद भी मुझे भूख लग रही है अब गाइस ये जो मतलब नहीं अभी नहीं खाऊंगी रुको एक मिनट खा ले फिर बचेगा नहीं लिया तो भी लिया तो खाई दिया कि फेवरेट है चमचम ले गंदी गाइस हर बार मतलब जब भी करवा चौथ की व्रत करती हूँ तो ये प्रसाद वगैरह मैं मेरे फादर इन लॉ ससुर को दे देती हूँ पर आप लोगों को तो पता ही है वो अभी है नहीं तो ये प्रसाद मैं इकट्ठे करके रख दूंगी तो किसी मतलब बुजुर्ग को देख के उसको फिर मैं दे दूंगी ये सारे जो प्रसाद है ना ये सासू माँ या ससुर जी को देना होता है तो अभी मेरा तो सास ससुर है नहीं तो ये प्रसाद इकट्ठे करके रख दूंगी तो किसी बुजुर्ग को दे दूंगी तो चले हम लोग डिनर करने के लिए चलो यार गाइस हम आ चुके हैं खाना खाने के लिए मुझे तो इतना भूख नहीं लगती खाई हाथ में हाथ क्यों बैठे भूख लगी चलो कोई नहीं खाना खा लेते हैं चावल आ रहे दो बोला था यार दो हेलो आप करो नहीं आप करो अगले वाला भी आप करो गाइस हमने खाना पीना खा लिया अभी हम थोड़े से मतलब पैदल आगे आए हैं क्योंकि ज़्यादा ही खा लिया कुछ सारा दिन नहीं खाया और एकदम से खाना मिला तो बस खा लिया ज़्यादा हो गई थी तो मैंने बोला चलो पैदल चलते हुए ब्लॉग को एंड कर देते हैं गाइस हमारे ये करवा चौथ वाले ब्लॉग आप लोग ज़रूर देखना और भी मतलब ये ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगता है तो वीडियो पर लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल ओके बाय बाय गाइस टेक केयर एवरीवन एंड गुड नाइट बाय बाय मिलती हूँ अगले नेक्स्ट ब्लॉग पर तब तक के लिए बाय बाय